तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महेंद्र और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज टैक्स सेंटर पे। तो आज का एजेंडा क्या है वीडियो का, सर आज क्या हम लोग सीखने वाले हैं नया? तो आज बेसिकली जो आपने थंबनेल वगैरह में देखा रहेगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अमेंडमेंट इन फिनेंस एक्ट 2020 जो आपके मई 21 जून 21 नवम्बर 21 बेसिकली और डिसम्बर 21 के लिए जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है उसका पार्ट वन ये वीडियो रहेगा। और हम इसमें अमेंडमेंट सीखने वाले, क्या सीखने वाले, जो जो अमेंडमेंट हुए हैं 2020 में वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है सर। तो बेसिकली ये वीडियो किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा सर? ये वीडियो सीए फाइनल में हो आप तो आप देख सकते हो, बिल्कुल सीए इंटर में हो देख सकते हो, काम आएगा, मतलब ऑब्वियसली बात है सीएस एग्जीक्यूटिव काम आएगा, सीएम में इंटर काम आएगा। ठीक है। और जो जो इंटरनेशनल टैक्स में अमेंडमेंट हुए जैसे इक्वलाइजेशन लेवी वगैरह जो पार्ट टू में आएंगे अपने, वो आपके सीएस प्रोफेशनल के लिए और सीएम में फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है सर। तो आपने ये जो बेसिकली सिखाने वाले हो, जो भी बताने वाले हो, उसका सोर्स क्या लिया है? बिकॉज ऐसा तो नहीं कहीं से, मतलब कहाँ सोर्स क्या है? तो सोर्स सिंपल है, जो फिनांस एक्ट आया था वो सोर्स है एक तो, और दूसरा जो इंस्टीट्यूट का अपना मॉड्यूल आता है आईसीआई का, बेसिकली वो सोर्स है। ठीक है सर, ये हो गया। फिर तो आप पढ़ाओगे क्या फिनांस एक्ट से? नहीं सर, क्योंकि वो पढ़ाने जाएंगे तो काफी दिक्कत होगी, टाइम लग जाता है पढ़ाने में एक एक टर्म। इसको हम लोग ने क्या किया है, हमारी एक मैगजीन बनाई है टैक्स टीच नाम से, टैक्स सेंटर पेज का जो टैक्स टीच करके फ्री ऑफ कॉस्ट मैगजीन आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें हम लोग ने क्या किया है, कंटेंट सेम है जो फिनांस एक्ट में है, बट इसको हम लोग ने इस हिसाब से अरेंज कर दिया है जिससे आपको पढ़ने में मजा आए, एकदम इंटरेस्टिंग वे में, कलरफुल वे में आपका लॉ पढ़ाई हो जाए, मतलब टैक्स भी एक तरीके का लॉ ही है तो आपका लॉ एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से हो जाए तो और क्या चाहिए। तो ये हम लोग को ये जो पीडीएफ है सर ये कहाँ से मिल सकता है? तो ये पीडीएफ के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, जो आपके यूट्यूब का चैनल देख रहे हो यही नाम का इंस्टाग्राम पे पेज है, उस पर आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको दे दूंगा। नहीं तो यही नाम का टेलीग्राम पे चैनल रहेगा, उसके ऊपर जाके आप मैं अपलोड कर दूंगा तो वहां से आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये बेसिकली पार्ट वन रहेगा, तो इसमें हम लोग 5-6 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो अमेंड हुए हैं उसके बारे में सीखेंगे। जो सबसे पहला सेक्शन कौन सा सर सीखने वाले हैं? सबसे पहला सेक्शन हम लोग सीखेंगे 115BAC, जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बवाल हुआ था जब बजट आया था, तभी ऐसा बोला था कि पूरा का पूरा टैक्स रेट चेंज कर दिया है, बहुत कुछ ऐसा बोला गया था। तो सीखते हैं कि इसमें क्या बात हुई है बेसिकली। ठीक, पुराना टैक्स रेट जो था वो रिवाइज एक बार करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल या एचईएफ हो। इस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 115BAC है वो इंडिविजुअल एंड एचईएफ को ही एप्लीकेबल है। ठीक है, इंडिविजुअल एचईएफ हो तो आपको टैक्स रेट क्या लगेगा, अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2,50,000 टू 5,00,000 5% लगेगा, 5,00,000 से 10,00,000 20% लगेगा, और 10,00,000 के ऊपर कितना लगेगा, 30% लगेगा। अगर आप रेजिडेंट हो प्लस आपका एज 60 से ज्यादा है तो आप क्या सीनियर सिटीजन माने जाओगे, तो आपका टैक्स रेट क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बेसिक एग्जम्पशन जो 2,50,000 था वो 3,00,000 तक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, मतलब क्या आपका एज कितना है 80+ प्लस आप रेजिडेंट हो, दो क्राइटेरिया देखे जाते हैं, एक तो रेजिडेंट बेस्ड क्राइटेरिया और दूसरा एज बेस्ड क्राइटेरिया, तो आपका क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, जो बेसिक एग्जम्पशन था वो 5,00,000 तक हो जाएगा, 5,00,000 तक कोई टैक्स नहीं, 5,00,000 से 10,00,000 20%, 10,00,000 के ऊपर 30%। ठीक है, तो ये तो हो गया पुराना टैक्स। अभी 115BAC में क्या चेंज किया है वो चलो देखते हैं। तो 115BAC इंसर्टेड बाय फिनांस एक्ट 2020, फिनांस एक्ट 2020 आया था उसमें ही ये पहली बार सेक्शन लेके आए हैं, ये फर्स्ट टाइम आया है, एप्लीकेबल फ्रॉम फिनांस एक्ट 2020 एंड 2021 2020 2021, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 से फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल है, मतलब अपने अटेम्प्ट के लिए फर्स्ट टाइम आया है, तो फर्स्ट टाइम आया तो भाई इंपॉर्टेंट तो हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें टैक्स लैब क्या है। ये जो लेफ्ट साइड एग्जिस्टिंग दिया है वो तो मैंने जो बोला वही है, तो इसके ऊपर आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी आपको आता है बहुत अच्छी तरीके। अभी न्यू वाली स्लैब पे आते हैं, ये याद कैसे रखें, सबसे पहली तो तकलीफ है कि भाई सर ये याद कैसे रखने का, तो सबसे इजी तरीका है याद रखने का, इसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या करने का, देखो अप टू 2,50,000 तो कोई टैक्स नहीं, अपने को पता था यहाँ पे भी अप टू 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं। अभी आपको क्या करना है, 2,50,000 में आगे हर एक स्लैब में 2,50,000 ऐड करना है, मतलब 2,50,000 प्लस 2,50,000 कितना हो जाएगा 5,00,000, 5,00,000 प्लस 2,50,000 7,50,000 प्लस 2,50,000
50,000 कितना 10 लाख प्लस 2 लाख मतलब टोटल 2,50,000 फर्स्ट ले लो उसमें 2,50,000 ऐड करते रहना ठीक है। और न्यू में टैक्स रेट क्या रहेगा, सबसे पहले जीरो है बिकॉज 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 5% ऐड करते रहना है 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो सिंपल है, इधर क्या 2,50,000 ऐड करते जाओ, इधर क्या 5% ऐड करते जाओ, रुकना कहाँ पे 30% पे रुक जाना बिकॉज 30% आपका हाईएस्ट टैक्स लैब रहता है, टैक्स रेट रहता है बेसिकली ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैसे याद रखने का, यहाँ पे 2,50,000 ऐड करते जाओ, यहाँ पे 5% ऐड करते जाओ, रुकने का यहाँ पे 30% पे रुक जाना है, तो यहाँ पे भी आपका 15 लाख पे वो मैच हो जाएगा। तो ये याद रखने में कोई तकलीफ नहीं, एग्जिस्टिंग तो अपने को ऑलरेडी याद है भाई, मुंह पे याद है अपने को। न्यू में क्या करना है आपको ट्रिक बता दिए, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, इससे आपका ये याद हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसके नोट्स पढ़ लेते हैं पहले, नो चेंज इन सरचार्ज, जो सरचार्ज होता है वो सेम रहता है। सरचार्ज क्या था वो हम लोग ने पढ़ा था बहुत अच्छे से, तो उस सरचार्ज में भी एक अमेंडमेंट है जो आगे देखेंगे। सरचार्ज बेसिकली कितना लगता है, अप टू 50 लाख कुछ नहीं, 50 लाख से 1 करोड़, 10%, 1 करोड़ से वो याद है 2 करोड़ कितना वो, फिर 25%, फिर 37%, ऐसा सरचार्ज का रेट था। पर 112A एंड 111A के लिए मैक्सिमम कितना था, 15% ही सरचार्ज लगता था। उसमें एक चीज अमेंडमेंट है जो हम लोग बाद में देखेंगे ठीक है सर। अभी वो हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं 115BAC में। 115BAC में हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले स्लैब देख ली, स्लैब पढ़ ली, हाँ सर समझ गया। फिर क्या, नो चेंज इन सरचार्ज, जो सरचार्ज की रेट थी उसमें 115BAC में और नॉर्मल रेजिम में कोई चेंज नहीं है, दोनों जगह सरचार्ज की रेट सेम रहेगी ठीक है। फिर क्या, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में भी कोई चेंज नहीं है ठीक है, और बेसिक एग्जेम्पशन में भी कोई चेंज नहीं है, आपका जो 2,50,000 था वही रहेगा। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि क्या सीनियर सिटीजन को और सुपर सीनियर सिटीजन को बेसिक एग्जेम्पशन में कुछ फर्क रहेगा क्या, मतलब बेसिकली यहाँ पे अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, तो अगर समझो कोई SSC है जो सीनियर सिटीजन है तो उसका क्या 3 लाख रुपए तक कोई बेसिक एग्जेम्पशन रहेगा कि 2,50,000 तक ही रहेगा, तो वो केस में सिर्फ 2,50,000 तक ही बेसिक एग्जेम्पशन रहेगा, 3 लाख तक नहीं रहेगा। इज इट ओके? यस सर ठीक है। और सुपर मतलब सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का केस यहाँ पे कवर नहीं होगा न्यू रेजिम में, न्यू रेजिम में सब एक जैसे हैं और ये वाली टैक्स रेजिम एप्लीकेबल होगी ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने सिर्फ सीखा कि सबसे पहले इंडिविजुअल और HUF को ये बेनिफिट मिलेगा, बाद में क्या देखा टैक्स स्लैब किस हिसाब से चलेगा और टैक्स रेट किस हिसाब से चलेगा वो देखा, फिर चेंज कहाँ पे नहीं होगा, सरचार्ज में नहीं होगा, रिबेट में नहीं होगा, बेसिक एग्जेम्पशन में नहीं होगा, इतना सीख लिया। यस सर, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आपको अभी आप बोलोगे कि ये स्लैब देखोगे तो अभी समझो मेरा इनकम कितना 6 लाख रुपया पूरे साल का इनकम है, 50,000 रुपया पर मंथ मेरी सैलरी है, तो पूरा मंथ में मेरे को कितना 6 लाख इनकम पड़ता है, तो मेरे को कौन सा स्लैब लेना चाहिए, 5 लाख ये मतलब ये वाला लेना चाहिए एग्जिस्टिंग की न्यू लेना चाहिए? तो आप ऑब्वियसली बात बोलोगे नया लेना चाहिए क्योंकि यहाँ तक 5% टैक्स है और यहाँ पे अगर आप एग्जिस्टिंग में आओगे तो आप पे 20% टैक्स लगेगा, जबकि न्यू जो स्लैब रेट है उसमें कितना 10% लगेगा। तो आप बोलोगे सीधी बात है सर, कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा ना न्यू में ले लो क्योंकि यहाँ पे आधा ही टैक्स लग रहा है। ऐसा आगे आगे जितना भी यहाँ पे 30% लगेगा, यहाँ पे 20 लग रहा है, यहाँ पे 30 लग रहा है, यहाँ पे 25 लग रहा है, तो कोई भी क्या बोलेगा भाई किसमें लेना चाहिए, न्यू में लेना चाहिए। पर अगर आप न्यू स्कीम में आ रहे हो, न्यू रिजाइम में आ रहे हो, टैक्स रेट की न्यू रिजाइम में आ रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे बेनिफिट्स जो आपको ओल्ड रिजाइम में मिल रहे थे, क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स जो आपको ओल्ड रिजिम में मिल रहे थे वो न्यू रिजिम में आपको नहीं मिलेंगे, मतलब आपको वो बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। तो कौन कौन से बेनिफिट नहीं मिलेंगे उसके लिए हम लोग ने क्या किया है, एक काम किया है कि इनकम फ्रॉम सैलरी ऐसा कैसे है, आप अगर आप फिनांस एक्ट वगैरह देखोगे तो उसमें कैसा दिया हुआ है, लाइन से सब लिख दिया, तो वैसा करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग ने कैसा किया है कि इनकम फ्रॉम सैलरी के रिलेटेड कौन से बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे वो लिख दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कौन से बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे वो लिख दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऐसा करके लिख दिया ताकि क्या आपको पढ़ने में आसानी हो सके ठीक है। तो इंडिविजुअल एंड HUF हु डज नॉट हैव बिजनेस इनकम, ऐसे इंडिविजुअल और HUF जिसका बिजनेस इनकम नहीं है एंड ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजाइम शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम वेरियस डिडक्शन और एग्जेम्पशन अंडर डिफरेंट हेड, जो नीचे डिफरेंट हेड में दूसरे आपको एग्जेम्पशन वगैरह मिल रहे थे वो अभी आपको नहीं मिलेंगे। Is it okay? Yes, sir. तो इनकम फ्रॉम सैलरी में से आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस HRA जो था वो आपको अभी नहीं मिलेगा। HRA क्या था, HRA के लिए सर हम लोग देख लेते हैं एक बार, HRA क्या था पहले,
मतलब अभी भी जो ओल्ड रिजिम में जाएगा उसको तो एचआरए का बेनिफिट मिलेगा। तो एचआरए का बेनिफिट मतलब ये वाला एचआरए और स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड, एचआरए जो एक्चुअली रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 50% या 40% वो मेट्रो सिटी है या नॉर्मल सिटी है, लोअर कितना आपको डिडक्शन मिल जाता था एचआरए का, करेक्ट है। तो अभी ये वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अंडर न्यू स्कीम में, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए। फिर सेकंड क्या नहीं मिलेगा आपको, एलटीए नहीं मिलेगा, लीव ट्रेवल अलाउंस जो कंसेशन मिलता था आपको अगर आप बस में जाते हो ट्रेन में जाते हो, तो वो पता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये वाला बेनिफिट यहाँ पे अपना सिर्फ ये पर्पज है कि अपने को समझ सके कि क्या है, ये सब पढ़ेंगे हमारा जो नॉर्मल लेक्चर होगा उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लीव ट्रेवल कंसेशन वाला आपको जो बेसिकली डिटेल अलाउंस ये पड़ा, अगर आप ट्रैवल से करते एयर से ट्रैवल करते हो तो ये डिडक्शन मिलेगा, अदर मोड से करते हो जहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं है, ये वाला हम लोगों ने किया था याद है, इस ये वाला बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। थर्ड क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो आपको पता है सेक्शन 16 में हम लोग को दो तीन चीजें लेस होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का जो नॉर्मल सैलरी में से लेस होता है उसका आपको डिडक्शन अभी नहीं मिलेगा अगर आप न्यू रिजिम में आते हो। प्रोफेशनल टैक्स तो वैसे भी वो 2,400-2,500 रुपया कटता है, इसका इतना रेलेवेंस नहीं है, फिर भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखने की चीज है। और फिर बाकी भी कोई एक्सेम्पशन डिडक्शन परक्यूजेट वगैरह है उनके बेनिफिट नहीं मिलेंगे, पर ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि चार एक्सेप्शन है इसके कि बेसिकली आपको अलाउंसेस के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, पर चार एक्सेप्शन है जिसके मिलेंगे, आप कहीं पे लिख के रख दो। पहला है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, कौन सा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दूसरा कन्वेंस अलाउंस, फिर ट्रैवल ऑन टूर अलाउंस और डेली अलाउंस। यहाँ पे कहीं पे लिख के रख दो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवल ऑन टूर अलाउंस और डेली अलाउंस, ये चार जो बेसिकली अलाउंस है उसके आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, एलटीए नहीं, एलटीसी बोलो या एलटीए बोलो नहीं मिलेगा, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वाला नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा, और दूसरा कोई एग्जम्पशन डिडक्शन परक्यूजेट नहीं मिलेगा, पर चार मिलेंगे। कौन से, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा वो बेसिकली दिव्यांग एम्प्लॉय को मिलता है, ट्रैवल ऑन टूर वाला मिल जाएगा, कन्वेंस मिल जाएगा, फिर डेली अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको ये चीजों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, अगर आपने घर खरीदने के लिए कोई लोन लिया है किसके लिए, वो जो घर जो या तो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एसओपी का मतलब क्या होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, या फिर वैकेंट प्रॉपर्टी है, वैकेंट प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो रेंट पे अभी लगा नहीं है खाली प्रॉपर्टी, उसके ऊपर अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो जो उसका डिडक्शन मिलता है अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपको छोड़ना पड़ेगा बेसिकली, आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। दूसरा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है शैल नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ अंडर एनी अदर हेड। पहले कैसा होता था, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पूरा अलाउड होता था लॉस का, इंटर हेड एडजस्टमेंट करने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2,00,000 तक अलाउड होता था याद है, पर अभी ऐसा बोला है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हो, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हो तो जो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ही आपको अलाउड नहीं होगा, किसी और हेड से सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा। तो दो बेसिकली बेनिफिट आपसे छीन लिया बेसिकली, एक तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन एसओपी या वैकेंट प्रॉपर्टी जो लेस होता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से वो लेस नहीं करने देंगे, दूसरा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी अलाउड टू सेट ऑफ अंडर एनी अदर हेड, कोई दूसरे हेड से आपको लॉस सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे आ जाते हैं, एक सेकंड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में फैमिली पेंशन आपको पता है 1/3 ऑफ अमाउंट वाला फैमिली पेंशन आपको नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा डिडक्शन। फिर डिडक्शन ऑफ क्लबिंग ऑफ माइनर चिल्ड्रन मतलब क्या, 1032 सेक्शन, वो 1500 रुपए का डिडक्शन मिलता था पता है, अगर किसी पेरेंट्स के हाथ में उसके माइनर सन या माइनर डॉटर का इनकम बेसिकली क्लब होता था तो उसको 1500 रुपए डिडक्शन मिलता था, वो वाला डिडक्शन अभी नहीं मिलेगा अगर आप न्यू रिजिम में आ जाते हो। और डेली अलाउंस ऑफ एमपी एंड एमएलए, एमपी एंड एमएलए का जो डेली अलाउंस होता है वो इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेस में बेसिकली टैक्सेबल होके फिर वो एग्जेम्पशन में जो अलाउंस मिलेगा वो अलाउंस का बेनिफिट बेसिकली यहाँ पे नहीं मिलेगा। तीन, फैमिली पेंशन का नहीं मिलेगा, डिडक्शन ऑफ क्लबिंग 1032 वाला 1500 रुपए और डेली अलाउंस ऑफ एमपीए नहीं मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, तो आप लोग ने तीन चीजें देखी, सैलरी वाला पार्ट देखा, हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट देखा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला पार्ट देखा। जनरली मैं पढ़ाता हूँ तो कैसे कराता हूँ, एक ही चीज को बार बार रिवाइज कराता हूँ, बट ये केस में ऐसी चीज है कि ये इसको बहुत एक्सेस टाइम लग जाएगा, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करूंगा। इससे बेनिफिशियल क्या है, आप यही वीडियो को 2-3 बार देख लेना तो वो एक ही इफेक्ट करेगा और अपना टॉपिक भी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं पीजीबीपी की। पीजीबीपी में सबसे पहला बेनिफिट कौन सा नहीं मिलेगा आपको? एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो होता है वो, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या पावर जनरेशन वाला याद है तो वहां पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाता है, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 में रिसर्च वाले एक्सपेंस, एक रिसर्च वाला इसमें कवर नहीं है बेसिकली। 35 के जो सबसेक्शन है वो भी यहाँ पे कोट किए हुए, बट एक कोट नहीं किया, कौन सा? जो डोमेस्टिक कंपनी को मिलता है 150% वाला, वो तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ही ये 115 बीएसए एप्लीकेबल है। तो 35 के रिलेटेड जितने भी रिसर्च के एक्सपेंस है वो पता है, अगर आप रिसर्च एसोसिएशन को डोनेशन देते हो या फिर आप कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, ये वाला आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी वगैरह को आप क्या बेसिकली डोनेशन करते हो, तो आपको 150% 100% वो डिडक्शन मिलते थे, वो वाले बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, डिडक्शन नहीं मिलेंगे। फिर 35 एडी क्या वो 14 बिजनेस याद है मैंने 5 5 4 का जोड़ी बना के याद करवाया था? तो आपने यूट्यूब पे भी वीडियो सब अवेलेबल है, डोंट वरी, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। अगर वो देखते हो तो आपके 14 बिजनेस क्या है पूरे मुंह पे याद हो जाएंगे। वो दो कौन सा था, दो कोल्ड, एक कोल्ड चैन फैसिलिटी का था, दो फिर पाइपलाइन वाला था, फिर दो हाउसिंग वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, वैसे करके मैंने एक सीरीज बना के आपको याद करवाया था। वो 35 एडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर 35 सीसीसी, कौन सा? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम, जो ऑल एसएससी को मिलता है, पिछले साल तक 150% मिलता था याद है, एक ये दोनों जोड़ी में थे, 35 सीसीसी 35 सीसीडी। 35 सीसीसी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन था, 35 सीसीडी कौन सा था? स्किल डेवलपमेंट था वो वाला। 35 सीसीसी क्या था? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, रिसर्च एक्सपेंस नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस 14 बिजनेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अदर पॉइंट्स, एक सेकंड, अदर पॉइंट्स, फॉलोइंग पॉइंट्स विल नॉट बी एप्लीकेबल सेक्शन 80C से लेके 80CU तक। बेसिकली आप LIC में पैसा डालो, मेडिक्लेम में पैसा डालो, ये डोनेशन करो प्रधानमंत्री को, किधर भी डोनेशन वगैरह करो, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये यहाँ का सबसे बड़ा लॉस है न्यू टैक्स रिजाइम का, क्योंकि ऊपर तो क्या था भाई, आप कितना, अभी समझो कि आपका 6 लाख रुपए मेरा इनकम है, 6 लाख रुपए में मैं टैक्स प्लानिंग करके 1.5 लाख रुपए तो समझो इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, कोई हाउसिंग लोन वगैरह लिया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, 80D में मैंने डिडक्शन लिया, 80C में मैंने डिडक्शन लिया, ये सब बहुत सारे बेनिफिट थे जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। डिडक्शन अंडर 10AA, 10AA क्या है सर याद करो, 10AA आपको SEZ वाला था पता है, अगर आप SEZ में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हो तो आपको फर्स्ट 5 ईयर 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट माफ हो जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर आपको 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट माफ हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट या फिर जो स्पेशल रिजर्व में आप इन्वेस्टमेंट करते हो व्हिचएवर इज लोअर वाला माफ हो जाएगा, वो वाला पार्ट है। फिर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, हम लोग ने बहुत अच्छे से सीखा था अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है, AMT। अगर आप अदर देन कंपनी हो तो या तो आप 18.5% ऑफ ATI या फिर जो एक्चुअल टैक्स आ रहा है विच एवर इज हायर आपको भरना पड़ता है, वो AMT वाला जो कंसेप्ट है, ये सब डिटेल में सीखने पड़ेंगे क्योंकि एक एक चैप्टर है पूरे, पर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। कौन कौन से नहीं? 80C से लेके 80U डिडक्शन नहीं मिलेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA नहीं मिलेगा, और अल्टरनेट मिनिमम AMT वाला कंसेप्ट है जो नहीं लगेगा। तो अभी तक हम लोग ने क्या सीखा? अभी तक सर हम लोग ने बेसिकली सिंपल सी चीजें सीखी है कि सबसे पहले ऑल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, मतलब रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो, सबको ये एप्लीकेबल है 115 BSE, वो चूज कर सकते हैं या तो न्यू स्लैब में जाओ या फिर ओल्ड में जाओ। न्यू स्लैब में जाओगे तो आपको कुछ बेनिफिट त्यागने पड़ेंगे, कुछ बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, जो बेनिफिट आप ओल्ड में ले सकते थे, जो एग्जिस्टिंग रेजिम में आपको बेनिफिट मिल सकते थे, जैसे डिडक्शन हो गया, AMT तो छोड़ो, डिडक्शन हो गए बहुत सारे, वो अलाउंसेस वगैरह हो गए सैलरी में, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सब ले सकते थे वो अभी आपको नहीं मिलेंगे, समझ लो वो अभी आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करने का, उसके लिए आपको पहले ही कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग से पहले कि भाई मुझे कौन से स्लैब में जाना है, कौन से मतलब कौन से बेसिकली रिजर्व में जाना है। तो अप टू कैसे ये स्लैब देखने का, तो सिंपल सा 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, उसके बाद लेफ्ट में 2.5 लाख 2.5 लाख ऐड करते जाओ, यहाँ पे 5 5% ऐड करते जाओ, रुकने का कहाँ पे 30% पे, तो सामने 15 लाख ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर नो चेंज इन सरचार्ज रेट, सरचार्ज रेट में कोई चेंज नहीं होगा, पर ये वाले सेक्शन की वजह से नहीं होगा, बट ऑलरेडी एक अमेंडमेंट है सरचार्ज की रेट में जैसे मैंने आपको बताया। रिबेट अंडर सेक्शन 87A में चेंज नहीं होगा, ठीक है, बेसिक एग्जम्पशन में कोई चेंज नहीं होगा, पर यहाँ पे सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल यहाँ पे फिर
फिर कुछ बेनिफिट त्यागने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको एचआरए नहीं मिलेगा, एलटीए नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, 50,000 वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, पीटी नहीं मिलेगा और बाकी एग्जम्पशन डिडक्शन अलाउंस नहीं मिलेंगे, पर चार मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, टूर एंड ट्रैवल मिलेगा, कन्वेंस मिलेगा, डेली मिलेगा, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या, एसओपी के केस में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो लोन के ऊपर वो आपको नहीं मिलेगा, या वैकेंट प्रॉपर्टी के केस में एज द केस में भी। और दूसरा क्या, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस आया तो कोई दूसरे हेड के साथ वो सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फैमिली पेंशन, क्लब माइनर चाइल्ड के साथ क्लबिंग होता है और अलाउंस ऑफ एमपीएम मिले। फिर पीजीबीपी, पीजीबीपी के केस में अगर रिसर्च एक्सपेंस जो 35 में मिलता है आपको 35 एडी में स्पेसिफाइड्स ऑफ द बिजनेस और 35 सीसीसी में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम। और अदर पॉइंट्स में क्या बोला गया है, अदर पॉइंट्स में हम लोग ने 80C से लेकर ATU नहीं मिलेगा, AMT नहीं मिलेगा और 10EE का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है तो बोलो आगे बढ़ते हैं कि इफ डेप्रिसिएशन इज एंटाइटल्ड मोर देन 40% वुड रेस्ट्रिक्ट टू 40% ऑफ WDV ऑफ सच प्लॉट। मतलब क्या, अगर कोई ऐसा एसेट है जिसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन 40% से ज्यादा मिलने वाला था तो वो रेस्ट्रिक्ट कितने पे हो जाएगा, वो 40% के ऊपर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मतलब आपको 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो सर आप बोलोगे वैसे भी 40% से ज्यादा कहां मिलता है डेप्रिसिएशन, मैक्सिमम 40% ही है। तो आप भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज हम लोग ने लास्ट टाइम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था मोटर व्हीकल वाला, उसमें आपको एक जगह पे 45% डेप्रिसिएशन मिलता है। रुको मैं बता दूं, ये वाला पढ़ा, अगर मोटर व्हीकल है यूज इन बिजनेस ऑफ रनिंग एंड हायरिंग, अगर आपका मोटर व्हीकल है जो रनिंग एंड हायरिंग, मतलब आप रेंट पे दे रहे हो, भाड़े पे दे रहे हो, फॉर रनिंग ऑन हायर के लिए, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, और वो एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया है बिटवीन 23rd ऑफ अगस्त 2019 टू 31st मार्च 2020, ये पीरियड में अगर आपने वो मोटर व्हीकल एक्वायर और पुट टू यूज किया है तो आपको डेप्रिसिएशन का रेट कितना मिलता था, 45% मिलता था। पर अभी क्या होगा, अभी आपको ये मैक्सिमम कितना डेप्रिसिएशन अलाउड है, अगर आप 115 BAC लोगे तो, अदरवाइज तो 45% मिलेगा, पर अगर आप न्यू रिजिम में आ रहे हो, 115 BAC ऑप्ट कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 45% नहीं मिलेगा, 40% मिलेगा। इज इट ओके? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, कैरिड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑफ अर्लियर असेसमेंट ईयर शैल नॉट बी अलाउड इफ इट्स एट्रिब्यूटेबल टू एनी ऑफ डिडक्शन अबव। अगर कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन और लॉस, पिछले साल का कोई कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन और लॉस आ रहा है, किसकी वजह से लॉस आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से लॉस आ रहा है, जो हम लोग ने डिडक्शन और ऊपर जो डिडक्शन और अलाउंस जो आपको नहीं मिले थे उसकी वजह से कोई लॉस है और वो ये लॉस ये साल में आ रहा है, तो वो लॉस का भी आपको डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई समझो पिछले साल में किसी आपने 10EE वाला बिजनेस ले, मतलब आप 10EE वाले बिजनेस में थे, ये साल तो आपको 10EE मिलेगा नहीं क्योंकि 115 BAC आपने ऑप्ट कर लिया, करेक्ट है। पिछले साल आपका कौन सा था 10EE का, आपको डिडक्शन मिल रहा था 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, जिसकी वजह से आपको लॉस आया था और वो लॉस आप बोल रहे हो कि ये साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। पर ये क्या बोले कि आपको लॉस हम लोग अलाउड नहीं करेंगे कैरी फॉरवर्ड करने, हम लोग आपको सेट ऑफ करने नहीं देंगे जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आया। क्यों? बिकॉज वो वाले डिडक्शन की वजह से आपको लॉस आया था, वो डिडक्शन ये साल पे अलाउड नहीं है, समझे। कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन और लॉस ऑफ अर्लियर असेसमेंट ईयर, जो कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आ रहा है या लॉस आ रहा है, किस लिए आ रहा है, पिछले साल से आ रहा है, शैल नॉट बी अलाउड, अलाउड नहीं होगा, मतलब सेट ऑफ करने नहीं देंगे हम लोग, इफ इट्स एट्रिब्यूटेबल, तो किसकी वजह से वो डेप्रिसिएशन या लॉस है, टू एनी ऑफ डिडक्शन अबव, जो डिडक्शन हम लोग को बोला है कि अभी बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो डिडक्शन की वजह से आपको कोई लॉस या डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आ रहा है तो उसका सेट ऑफ नहीं होगा। इज इट ओके? यस। यहाँ पे एक और नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट के रिलेटेड है, अगर वेयर डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर, पिछले साल से कोई डेप्रिसिएशन आ रहा है, एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो कौन सा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, पिछले साल समझो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब रह गया था, मतलब आपका ऑलरेडी लॉस था तो डेप्रिसिएशन यूज नहीं हुआ था और एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन था, वो क्या होगा, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लाइफ टाइम आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो वो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अभी कैरी फॉरवर्ड होकर ये साल में आया है, तो आप क्या बोलोगे कि जो इनकम हुआ है उसमें से अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस होगा, करेक्ट है। पर इसके अंदर कुछ चेंज है कि वेयर डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्लियर assessment year attributable to additional depreciation which has not been given full effect before AY 2021, मतलब ये साल से पहले उसका full effect नहीं दिया था, और ऊपर हम लोग ने क्या देखा था कि जो additional depreciation है उसका benefit आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो PGBP में additional depreciation का benefit नहीं मिलेगा, तो क्या होगा सर, तकलीफ हो गया ना। तकलीफ कैसे हुआ कि ये साल में तो आपको additional depreciation का benefit मिलेगा नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, और पिछले साल का additional depreciation कोई
एब्जॉर्ब रह गया था वो तो ये साल में आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये प्रोविजन कैरियर फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन और लॉस ऑफ अर्लियर असेसमेंट ईयर शैल नॉट बी अलाउड इफ इट्स एट्रिब्यूटेबल टू एनी डिडक्शन अबव, और वो डिडक्शन ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन है। तो क्या करने का, बहुत ही सिंपल चीज है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर ऐसा केस आता है कि कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन पिछले सालों में क्या रह चुका था, अनएब्जॉर्ब रह गया था, तो उसको क्या करो, उसको ये साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीबी जो रहेगा ब्लॉक का, ये साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीबी जो ब्लॉक का रहेगा उसके अंदर क्या करना है, आपको ऐड कर देना है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और उसके ऊपर ये साल आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम कर दो। एंड नॉट अलाउड टू सेट ऑफ ड्यू टू 115 BAC की वजह से वो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको सेट ऑफ करने नहीं दिया गया, करेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट शैल बी मेड, ये आपको करेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ऑन WDV एज ऑन 1/4/2020, मतलब ओपनिंग WDV जो रहेगा ये साल का उसमें आपको क्या करना है, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड कर देना। सिंपल सी चीज है, यस सर, ठीक है। तो आपका यहाँ तक हम लोग ने देखा, क्या देखा है कि ऊपर वाला पार्ट तो आपको समझ गया था, यहाँ पे दो तीन चीजें हम लोग ने देखी कि डेप्रिसिएशन मैक्सिमम कितना मिलेगा, 40% मिलेगा 115 BAC में। पिछले साल में कुछ लॉस आया था, वो ये साल में आ रहा है कैरी फॉरवर्ड होके, तो आपको सेट ऑफ करने नहीं दिया जाएगा अगर लॉस किसकी वजह से, जो डिडक्शन ऊपर मेंशन की है, जो अलाउंस ऊपर मेंशन की है उसकी वजह से। और अगर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन ये साल कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है जो अनअब्जॉर्ब रह गया था, तो वो आपको बेसिकली लेस करने नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है, वो अमाउंट का करेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट करना है, आपका जो WDV है उसमें वो ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक है सर। अभी टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑप्शन, जो ये ऑप्शन है वो आपको कब तक एक्सरसाइज करना है, जो 115 BAC कब तक ले सकते हो, मतलब कब तक आप चूज कर सकते हो, तो उसके लिए सिंपल वो दो क्राइटेरिया है बेसिकली। अगर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, अगर इंडिविजुअल एंड HUF का बिजनेस इनकम मतलब कि सैलरी का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम है, या अदर सोर्सेज का इनकम है, PGBP का इनकम नहीं है, तो उनके लिए कुछ थोड़े अलग क्राइटेरिया है। और इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग बिजनेस इनकम, अगर उसका बिजनेस इनकम है तो उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग बिजनेस इनकम, तो ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज, ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज विद इन रिटर्न और विद रिटर्न ऑफ इनकम 139(1) फॉर प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर। सिंपल सी बात है, जब आप ये साल का रिटर्न फाइल करने जाओगे, वो टाइम पे आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर देना है कि भाई मुझे ये टाइम पे 115 BAC लेना है। सिंपल सी चीज है, अगर आपका बिजनेस इनकम है तो ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर 139(1) फॉर प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर। ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे भी, या तो पहले भी ले सकते हो या फिर वो 139(1) का रिटर्न फाइल करोगे तब भी ले सकते हो, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट नीचे है। इंडिविजुअल HUF कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज ऑप्शन इन सबसिक्वेंट प्रीवियस ईयर, अगर जिसका बिजनेस इनकम नहीं है वो चूज कर सकता है कि अगर उसको अगले आने वाले सालों में वेदर ही हैज टू गो इन 115 BAC या फिर किसी और नॉर्मल रेजाइम में, तो वो चूज कर सकता है। ये आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल एंड HUF can choose whether or not to exercise option in subsequent previous year, आने वाले में उसको exercise करना है कि नहीं, वो choose कर सकता है। पर यहाँ पे जिसका business income है उसके case में क्या ध्यान रखना है, once option exercise, एक बार अगर आपने option exercise कर लिया applicable for subsequent assessment year, तो वो फिर क्या होगा, वो option है वो अगले सालों के लिए automatically applicable होगा, मतलब एक बार आपने ये option ले लिया तो आपको हमेशा यही लेना पड़ेगा। can be withdrawn in once in a lifetime, अगर आप जिंदगी में एक बार आप विड्रॉ कर सकते हो, मतलब क्या, एक बार आपने विड्रॉ कर दिया तो वापस आप कभी ये रिजाइम में नहीं आ सकते। एक्सेप्ट वेयर असेसी सीजेस टू हैव, एक सेकंड, अगर मतलब सिंपल सी बात है, अगर उसका बिजनेस का कोई साल में समझो कि PGBP का इनकम ही नहीं है, समझो मेरा सैलरी का भी इनकम है, मेरा PGBP का भी इनकम है, मैंने 115 BAC एनरोल कर दिया, अभी अगले साल में मेरा PGBP का कुछ इनकम ही नहीं है, मेरा भाई धंधा चला ही नहीं, तो क्या होगा, वो टाइम पे चलेगा कि भाई, वो टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ऑप्शन नहीं है। एक्सेप्ट वेयर असेसी सीजेस टू हैव बिजनेस इनकम एज डिक्लेयर्ड अबव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा हम लोग ने, दो क्राइटेरिया है कब तक ऑप्शन एक्सरसाइज करना है उसके लिए, इंडिविजुअल HUF जिसका बिजनेस इनकम नहीं है और जिसका बिजनेस इनकम है, अगर जिसका बिजनेस इनकम नहीं है वो रिटर्न के साथ साथ कर लो, जिसका बिजनेस इनकम है वो रिटर्न के साथ या उससे पहले कर लो। अगर आपने एक बार ले लिया तो भाई यहाँ पे लेफ्ट वाले साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज ऑप्शन इन सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, अगले साल में लेना है या नहीं उसके ऊपर है। यहाँ पे वंस ऑप्शन इज एक्सरसाइज लाइफ टाइम के लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम आप निकल सकते, मतलब एक बार निकल गए तो बाद में कभी ये ले नहीं सकते। एक्सेप्ट अगर आप सीजेस टू हैव बिजनेस इनकम एज अ डिक्लेयर्ड अबव, अगर आपका बिजनेस इनकम ही नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं अभी।
फिर देख अगर ये भाई अच्छा लग रहा है कंटेंट जो हम लोग, तो भाई ये बनाने में ही बहुत मेहनत हुई है, पूरा स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ा है, फिनांस एक्ट अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद ये ड्राफ्टिंग के लिए इतनी मेहनत हुई है भाई, सब कुछ मैंने ही किया है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सो अच्छा लगे तो लाइक कर देना भाई, और कंटेंट आता रहेगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉर फेलियर टू सेटिस्फाई कंडीशन मेंशन इन 115 BAC, अगर 115 BAC में जो ऊपर कंडीशन दी है, अगर वो कंडीशन क्या करते हो, आप फेल हो जाते हो, अगर कंडीशन आप फुलफिल करने के लिए फेल हो जाते, मतलब आप कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाते, तो क्या होगा? ऑन फेलियर टू सेटिस्फाई कंडीशन द ऑप्शन एक्सरसाइज वुड बी इनवैलिड। तो क्या माना जाएगा, जो ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया था वो इनवैलिड है, आपका ऑप्शन नहीं, यही माना जाएगा कि भाई आपने कभी ऑप्शन लिया ही नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंटली अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई एज इफ ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज। बाकी सब कानून के प्रोविजन, जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है, वो ऐसे के ऐसे अप्लाई होंगे जैसे आपने कभी ऑप्शन एक्सरसाइज किया ही नहीं था। ऑन फेलियर टू सेटिस्फाई कंडीशन द ऑप्शन एक्सरसाइज वुड बी इनवैलिड, इनवैलिड मान लिया जाएगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट वुड अप्लाई एज इफ ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज, कि आपने कभी ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एम्प्लॉय जिनका PGPP इनकम नहीं है, जो मतलब बेसिकली कहाँ पे सब सैलरी पे जॉब कर रहे, तो उसको अपने एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि मैं 115 BAC एनरोल कर रहा हूँ, ताकि उसका उस हिसाब से फिर TDS कट सके। तो होप सो ये क्लियर हो गया रहेगा। 115 BAC सेक्शन इतना ही है ऑलमोस्ट। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा, हम लोग ने सबसे पहले सीखा कि सब इंडिविजुअल अचीवर को एप्लीकेबल होगा, करेक्ट करेक्ट सर। उसके बाद सीखा कि बेसिकली स्लैब सीख लिया कि यहाँ पे 5-5% ऐड करते जाओ, यहाँ पे 2.5-2.5 लाख ऐड करते जाओ, ये तो सिंपल सी चीज थी। फिर हम लोग ने देखा चेंज नहीं होगा तीन चीज में, सरचार्ज की रेट में, सरचार्ज की रेट में पर अमेंडमेंट है, ये सेक्शन की वजह से चेंज नहीं होगा, बस इतनी बोलने की बात है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ने जो आपका वो 12,500 वाला मिलता है बेसिक एक्सेम्पशन में, पर यहाँ पे सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन का कोई फंडा नहीं है, कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, सैलरी में लीव ट्रायल कंसेशन नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, PT नहीं मिलेगा, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, पर 4 मिलेंगे, डेली अलाउंस मिलेगा, फिर कौन सा था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टूर ऑन ट्रेवल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस, फिर हाउस प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट ऑन SOP और दूसरा कौन सा था, लॉस वाला, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक फैमिली प्लानिंग, एक क्लबिंग और डेली अलाउंस ऑफ MPA। PGPP में 35 रिसर्च एक्सपेंस, एडिशनल डेप्रिसिएशन स्पेसिफाइड, वो 14 बिजनेस और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम। फिर फॉलोइंग पॉइंट्स विल नॉट बी एप्लीकेबल, 80C से लेकर 80U का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा भाई, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA नहीं मिलेगा, AMT वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अदर पॉइंट्स में क्या था वो अभी हम लोग ने रिसेंटली देखा, तो ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सा अमेंडमेंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बेसिक मतलब हर लेवल पे ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इंटरनेशनल टैक्स पढ़ रहे हो, CA फाइनल का, CS प्रोफेशनल का, अगर आप नॉर्मल वाला पढ़ रहे हो, इंटर वगैरह लेवल पे या DT पढ़ रहे हो, ये अमेंडमेंट आपको अफेक्ट करेगा। सेक्शन 6 जो कि रेसिडेंशियल स्टेटस का बेसिकली सेक्शन है, उसके अंदर मतलब ये अमेंडमेंट किया है, क्या किया है हम लोग पढ़ते हैं एक मिनट। अमेंडमेंट आया है तो सबसे पहले सेक्शन 6 को रिकॉल कर देते हैं, जनरली इंडिविजुअल के केस में ही ये अमेंडमेंट आया, तो इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल कब रेजिडेंट बनता है, जब वो प्रीवियस ईयर में स्टेप 1 हम लोग देखते थे 182 डेज है, उससे ज्यादा रह गया तो रेजिडेंट, अगर नहीं रहा तो पिछले वही प्रीवियस ईयर में 60 डेज है उससे ज्यादा, प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज है उससे ज्यादा, तो क्या बन जाता है, रेजिडेंट बन जाता है। फिर हम लोग को पता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसकी कंडीशन है, उसके रिलेटेड अपने को कोई बात नहीं करनी है, अपने को इसके रिलेटेड ही बात करनी है सेक्शन 6(1) के बारे में। 6(1) के नीचे उसकी कुछ एक्सेप्शन थे, याद है कौन से एक्सेप्शन थे जरा बताओ, मैं बताता हूं, सुनो जरा, कि अगर 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 इंडियन सिटीजन है जो इंडिया से बाहर जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, या फिर फॉरेन जो क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन जो शिप है उसके लिए जा रहा है बेसिकली, याद है, तो वो क्या मान लिया जाता था, वो उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाला ही क्राइटेरिया फॉलो करना था, उसके लिए आपको 365 डेज ये सेकंड वाला स्टेप चेक नहीं करना रहता था, स्टेप 1 ही चेक करना होता था, पहला तो ये था। दूसरा क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा एक्सेप्शन क्या था जिसके अंदर अमेंडमेंट है, दूसरा एक्सेप्शन ये था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या रहता है, या तो खुद
या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में अगर बॉर्न हुए हैं तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है। अगर इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? विजिट के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? विजिट के लिए आ रहा है, तो फिर क्या माना जाता था? उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन देखा जाता था, 365 डेज वाला ये सेकेंड स्टेप नहीं देखा जाता था, स्टेप वन ही देखा जाता था। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जो अभी मैंने सेकेंड पार्ट बोला इंडियन, उसके अंदर अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार का कंटेंट देख लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। बेसिकली कैसा देखना रहता था, सबसे पहले हम लोग को स्टेप वन देखना पड़ता था, फिर स्टेप टू देखना पड़ता था। ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। स्टेप वन में क्या 182 डेज वाला, स्टेप टू में 60 डेज और 365 डेज वाला करेक्ट है। पर यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ, इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है किसके लिए, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियनशिप है या फिर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन देखना, यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो सेकंड पार्ट है, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर है, इंडिया में आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? विजिट के लिए आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, विजिट के लिए आ रहा है। तो उसके अंदर थोड़ा सा ये जो एक्सेप्शन है इसके अंदर अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट के लिए ये तो बेसिकली मेरा नॉर्मल क्लास का नोट्स है, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। ये जो बॉक्स है ये कुछ नहीं है, स्टडी मटेरियल से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। नीचे इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग ने किया। तो सबसे पहले ये अमेंडमेंट कैसे आया है, कानून में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। हाउएवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, ऐसा आदमी जिसका टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब फॉरेन सोर्स के इनकम को छोड़ के बाकी इनकम, फॉरेन सोर्स के इनकम को छोड़ दे मतलब क्या हुआ, इंडियन सोर्स से जो आपका इनकम आ रहा है, तो फॉरेन सोर्स का इनकम का मतलब क्या होता है, दैट इज इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया, ऐसा इनकम जो एक्रू हो रहा है या अराइज हो रहा है आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, ऐसा इनकम जो एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया होता है फॉरेन सोर्स का इनकम होता है, पर उसका एक एक्सेप्शन। अगर कोई बिजनेस इंडिया में सेटअप है या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, वो उसकी वजह से इनकम बाहर जनरेट हो रहा है, तो वो क्या इंडियन सोर्स का इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इंडियन सोर्स का इनकम असेसी कमा रहा है जो कि कितना है, हाउएवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स को छोड़ के उसका दूसरा इनकम, मतलब क्या इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स, इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स विच इज नॉट डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, तो ब्रैकेट में ही है, एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख, जो इंडियन सोर्स से उसका इनकम कितना है 15 लाख रुपए से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। उसको क्या मान लेंगे, उसको हम लोग रेजिडेंट मान लेंगे। अगर ऐसा पर्सन जो इंडिया में विजिट करने आ रहा है इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसको तो मत बोलना, कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे। उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, उसका इंडियन सोर्स का इनकम कितना होना चाहिए, 15 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन एकदम फालतू बकवास है कि अगर वो 182 दिन से ज्यादा, 182 डेज से ज्यादा रह जाता है तो उसको, वो तो वैसे ही हो जाएगा ना भाई, अगर 182 डेज से ज्यादा अगर वो इंडिया में रह जाता है तो वो तो वैसे भी रेसिडेंट हो जाएगा, तो इसका कोई काम का नहीं है, इसको आपको ऐसे ही हटा, मतलब ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, He has been in India, वो इंडिया में रहना चाहिए ड्यूरिंग पिछले 4 साल में 365 दिन, वो तो सेम है, और पिछले 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 प्रीवियस ईयर में 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर, एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उसमें 120 दिन वो इंडिया में रहना चाहिए, या फिर पिछले 365 दिन में 4 साल में 365 दिन इंडिया में रहना चाहिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये, तो क्या मैंने सिर्फ आपको जो कानून में लिखा है वही सेम टू सेम आईसीए के मॉड्यूल में बेसिकली लिखा है वही पढ़ के बताया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालने का वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, विजिट इंडिया, इंडिया में घूमने के लिए आता है, इनकम फ्रॉम फॉरेन इंडियन सोर्स एक्सीड रुपीज 15 लाख, इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स का मतलब क्या, अदर देन फॉरेन सोर्स लिखा था वही बेसिकली इंडियन सोर्स है, देन सच पर्सन बिकम रेजिडेंट, तो वो पर्सन जो है वो क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा, इफ ही स्टेज फॉर 120 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। क्लियर है?
क्लियर है थम्स अप भाई, समझ रहा है तो लाइक कर देना भाई। ये लाइक करने से क्या होता है, देखो कुछ होता नहीं, बेसिकली सिंपल सी बात है, लाइक करने से वीडियो का रीच बढ़ता है। अगर मैं क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ तो भाई ऐसा क्या फर्क पड़ता है कि भाई और लोगों तक पहुंच जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो रेजिडेंट बनेगा वो हमेशा का हमेशा क्या बनेगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। कभी भी ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकता, हमेशा क्या बनेगा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, कभी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनेगा। ठीक, तो इसमें आपको ये वाला एक पॉइंट ध्यान रखना, ही स्टेज 120 डेज है, 60 डेज नहीं है, डबल हो गया 120 डेज, और ये 182 डेज वाला फालतू कंडीशन है। इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स एक्सीड ₹15 लाख, ये तो ठीक है, और बाकी तो वो सेम ही कंडीशन है। एक ये वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट, एक लास्ट वाला पॉइंट, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एंड अमेंडमेंट कहाँ पे, एक्सेप्शन टू स्टेप टू, स्टेप टू का जो एक्सेप्शन था वो पार्ट टू वाला, उसमें अमेंडमेंट है, पर्सन स्पेसिफाइड इन एक्सेप्शन शैल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो एक्सेप्शन में जो पर्सन है वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा, कौन, या तो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो विजिट में आ रहा है उसको क्या मान लेंगे, रेजिडेंट मान लेंगे, अगर उसका सेटिस्फाई होता है कंडीशन। हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन सोर्स से जो इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है। दूसरा 182 दिन, ये कोई काम की चीज है नहीं, क्योंकि ये 182 दिन तो वैसे भी अगर 182 डेज इंडिया में रह जाता है तो रेजिडेंट है। These are 120 days in the previous year and 365 days in the last 4 previous year, तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है, फिर मैंने ये रेफरेंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट दिया हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली मैंने अपने नोट से पढ़ा दिया। अगर आप ये मैगजीन से वैसे ही पढ़ते हो तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली वो रेजिडेंट सेक्शन 6 क्या है उसके बारे में बताया हुआ है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा अमेंडमेंट इस पार्ट में है। ये बताने के लिए ये मैंने रेफरेंस दे दिया, जस्ट एक बार के लिए कॉपी पेस्ट, इनकम टैक्स एक्ट से और कुछ नहीं है। और फिर मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स का मीनिंग क्या होता है, इनकम विच एक्रू हो, जो ऊपर पड़ा इनकम विच एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट पीजीबीपी फ्रॉम इंडिया एंड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट क्लियर है, होप सो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सेम रेसिडेंशियल स्टेटस में अमेंडमेंट है, एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं ये लोग। बेसिकली इनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिया का रेजिडेंट बनाना है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिया का रेजिडेंट बनाना है। रेजिडेंट बनाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ज्यादा टैक्स आएगा। बेसिकली रेजिडेंट को ग्लोबल इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है। तो एक डीम्ड रेसिडेंट करके एक नया कंसेप्ट लेके आए, क्या डीम्ड रेसिडेंट, ये लोग आपको डीम रेसिडेंट बना देंगे। सेक्शन 6(1) हम लोग पढ़ रहे थे, अभी एक नया आया है सेक्शन 6(1)(a), नया सेक्शन है ऑल टुगेदर। ये फाइनेंस एक्ट में, ये सिलेबस में, ये अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम पूछने वाले सेक्शन 6(1)(a), डीम रेजिडेंट ऑलवेज रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। जैसे ऊपर भी हम लोग ने पढ़ा था, वो भी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा, कभी ऑर्डिनरी नहीं बनेगा, ये भी हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रहेगा। तो सेक्शन 6(1)(a) यानी क्या, डीम्ड रेजिडेंट। डीम्ड रेजिडेंट कौन रहेगा, तो सबसे पहले यहां से पढ़ लेते हैं कि वहां से पढ़ते हैं, एक बार के नोट से मैं आपको बता देता हूं, मतलब पूरा कानून पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं। वही इंटरप्रिटेशन मैंने बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है। डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6(1) है, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन। ऐसा इंडिविजुअल जो पहला क्या है, इंडियन सिटीजन है, हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स। सेम यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, एक्सेड ₹15 लाख। मतलब यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कोई जिक्र नहीं है। एक ऐसा इंडिविजुअल, एक सबसे पहला क्या इंडिविजुअल है, जो क्या कर रहा है, इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जिसका टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स कितना है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है। अदर देन फॉरेन सोर्स मतलब क्या, इंडियन सोर्स से उसका टोटल इनकम कितना, 15 लाख से ज्यादा है, जो ऊपर था सेम है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, उसको क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब क्या, उसको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे। इन दैट प्रीवियस ईयर इफ ही इज नॉट लाइबल टू पे इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय वे रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। However, this provision will not apply in case of individual who is resident in India as per section 6(1). क्या बोला है, सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि इंडियन सिटीजन है, सबसे पहले क्या है, इंडियन सिटीजन, जिसका टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स कितना है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है। सबसे पहला पॉइंट, इंडियन इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तीसरा उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, वो ध्यान रखो।
और वो आदमी पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई टैक्स नहीं भर रहा बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। एग्जांपल देता हूँ आपको समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा तो एग्जांपल से तो ऑब्वियस ही बात है समझ जाएगा। इसका ऐसा कोई कंट्री है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जिसमें टैक्स नहीं लगता? बेसिकली दुबई, ये याद आता है अपने को कि दुबई में टैक्स नहीं लगता। तो समझो एक कोई ऑफिसर है जो दुबई में काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है दुबई में, तो उसका दुबई में कोई टैक्स लगता नहीं है। वो कभी इंडिया में आता है, कभी दुबई में जाता है, कभी इंडिया में आता है, इंडिया में उसका बिजनेस है। तो इंडिया में उसका 15 लाख रुपए से ज्यादा इंडियन इनकम, मतलब इंडिया में उसका 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है, ठीक है, और दुबई में भी उसका अच्छा खासा इनकम है, दुबई में कोई टैक्स नहीं लगता। तो अभी वो जनरली कितना आता है पता है इंडिया में? ऑलमोस्ट आधा साल इंडिया में ही रहता है, आधा साल उधर रहता है, तो 182 डेज से ज्यादा बेसिकली वो इंडिया में रहता है। पर वो क्या टैक्स प्लानिंग करने के लिए बीच में कभी कभार किधर मॉरिशियस वॉरिशियस या मालदीव्स वालदीव्स अपनी फैमिली को लेके चला जाता है, ताकि इंडिया में उसका 182 डेज ना हो। किसके लिए? सिर्फ यही पर्पस के लिए कि इंडिया में उसका 182 डेज ना हो। तो ना तो इंडिया में टैक्स बनेगा क्योंकि इंडिया में वो नॉन रेजिडेंट हो गया, दुबई के इनकम के ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं क्योंकि दुबई में टैक्स लगता नहीं, मालदीव तो वैसे ही घूमने जा रहा है। तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर वो दुनिया में कहीं पे भी बाय वे ऑफ इस डोमिसाइल या रेसिडेंस, ऐसा नहीं है कि समझो मालदीव्स में वो गया था, मालदीव्स में उसने कुछ देखा कि कुछ चेरी वेरी बिक रहा, मुझे नहीं पता क्या बिकता वहां पे, कुछ देख के ऐसा उसने सेल करके वहां पे भी इनकम कमा लिया और वहां पे उसने टैक्स भरा है मालदीव्स में, तो क्या मालदीव्स में उसने टैक्स किसके लिए भरा है? उसके जो सोर्स बेस पे उसने टैक्स भरा है, बेसिकली उसने जो वहां पे अर्न किया था वहां पे भर दिया, रेसिडेंस बेस पे वहां पे मालदीव्स में उसने टैक्स नहीं भरा। यहाँ पे क्या साफ साफ लिखा है कि अगर वो दुनिया में कहीं पे भी रेसिडेंस बेसिस पे टैक्स नहीं भर रहा कि वो वहां का रेसिडेंस है या डोमिसाइल है, इसकी वजह से वो टैक्स नहीं भर रहा, तो हम लोग उसको इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? उसको इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे। क्यों मानेंगे? वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस उसका इंडिया से इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तो हम लोग उसको इंडियन सिटीजन मान लेंगे। इज नॉट, तो बस यही वाली बात है और क्या है। तो इंटरप्रिटेशन एक बार पढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेंडमेंट, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस एक्सीड ₹15 लाख, इंडियन सोर्स से उसका इनकम कितना 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, इंक्लूड बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ही इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इफ ही, उसको मान लेंगे हम लोग रेजिडेंट अगर ही इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन अदर कंट्री बाई रीजन ऑफ हिज रेजिडेंस डोमिसाइल, वो रेजिडेंशियल स्टेटस या डोमिसाइल की वजह से कहीं और रेजिडेंट नहीं है, तो उसको क्या मान लें, वहां कोई और जगह पर टैक्स नहीं भर रहा, तो हम लोग उसको इंडिया का रेजिडेंट मान के टैक्स ले लेंगे। बेसिकली जो OECD, G20 ये सब है कंट्री, मतलब जो बेसिकली कंट्रीज की यूनियन है, वो लोग भी यही बोलते हैं कि भाई कहीं पे तो आप टैक्स भरो। ऐसा थोड़ी कि आप हर जगह से, अभी फेसबुक वगैरह को देखा जाए तो वो कहीं पे टैक्स नहीं भरते। वो लोग क्या बोलते हैं कि कहीं पे कोई तो कंट्री में ऐसी हो जहां पे आप जाके टैक्स भरो। तो इसी बेसिस पे अमेंडमेंट लेके इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय वे ऑफ रेसिडेंस डोमिसाइल, तो उसको इंडिया का डीम रेजिडेंट मान लेंगे और इंडिया में टैक्स लगेगा। और ये भी हमेशा क्या रहेगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। कभी भी ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकता, डीम रेजिडेंट हमेशा क्या बनेगा? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो दो सेक्शन हम लोग ने पढ़े हैं, दोनों सिमिलर है पर थोड़े बहुत अलग है, तो आपको समझ गए रहेंगे, नहीं समझे एक बार पीछे समझ गए रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर भी अगर वापस कभी रिवाइज करने का मूड हो तो एक बार फिर सुन लेना। जनरली मेरा पढ़ाने का स्टाइल है कि मैं एक ही चीज को 2-3 बार पढ़ाता हूँ ताकि इधर ही दिमाग में फिट हो जाए, बाद में करने की जरूरत नहीं पड़े, पर बार बार करेंगे अननेसेसरी वीडियो बड़ा बन जाएगा। इंडियन सिटीजन इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस एक्सीडिंग ₹15 लाख, वही पड़ा, इफ इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय वे ऑफ रीजन ऑफ डोमिसाइल रेसिडेंस और एनी अदर एक्सेप्ट वेयर इंडिविजुअल इज रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6(1). अगर 6(1) में नॉर्मल रेसिडेंट है तो डीम रेजिडेंट का कंसेप्ट ही नहीं आता भाई, अगर नॉर्मल ही वो रेजिडेंट है तो डीम रेजिडेंट देखने की क्या जरूरत है, ठीक है। फिर सेक्शन 6(6) पे आ जाता है। 6(6) क्या बोलता है? एडिशनल कंडीशन टू न्यू 6(6) बेसिकली क्या होता है? वो डिसाइड करता है कि रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। क्या देखता है? रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, करेक्ट है। 6(6) आपका ये देखता है। तो इसमें क्या हो? जो हम लोग ने अभी दो पॉइंट पढ़े, एक तो डीम रेजिडेंट 6(1)A और दूसरा वाला जो है एक्सेप्शन था सिटीजनशिप में, वो हमेशा क्या रहेंगे? नॉन रेजिडेंट आर एंड एनओआर रहेंगे, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो बस इसमें ऐड कर दिया है और कुछ नहीं है। इज इट ओके? यस सर। तो आगे बढ़े,
इतना क्लियर है, दो सेक्शन रेजिडेंशियल स्टेटस के अमेंडमेंट हम लोग ने पढ़ लिए, एक 115 बीएससी का अमेंडमेंट पढ़ लिया, अभी नेक्स्ट कैपिटल गेन में एक छोटा अमेंडमेंट है उसके बारे में बात करते हैं एक मिनट के अंदर। अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है वो तीन सेक्शन में रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, जो आपको पता है काफी इजी चीज थी पिछले साल, ये साल अभी देख लेते हैं क्या चेंज हुआ है। सेक्शन 50C, सेक्शन 50C क्या कैपिटल गेन का सेक्शन है, जो क्या बोलता है कि अगर अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि क्या था, जो कि याद करो या अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जो कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब सेल कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माननी चाहिए, ऐसा था। पर वहां पे एक टॉलरेंस बैंड था कितना, 5% का, वहां पे एक लिमिट था 5% का। याद है कि अगर 105% ऑफ सेल कंसिडरेशन आपका एसडीवी से ज्यादा नहीं है तो आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो आपका सेल प्राइस ही माना जाएगा, ऐसा था। एक बार देख लेते हैं, एक बार ये देखो, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज कैपिटल एसेट, जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपका अगर कैपिटल एसेट है, एंड सेल कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो सेल कंसिडरेशन है वो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या मान ली जाएगी, आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बट इफ एसडीवी डज नॉट मोर देन 105%, जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% से ज्यादा नहीं है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के, तो सेल कंसिडरेशन ही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगी। अमेंडमेंट क्या हुआ है, जो ये 105% था ना, अभी वो 110% हो गया, मतलब 110% हो गया, बस ये अमेंडमेंट है कि मतलब जो बैंड था 5% का उसको कितना 10% कर दिया है। अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन टॉलरेंस बैंड विच अर्लियर वाज 5% नाउ इंक्रीज टू 10% मींस एसडीवी और 110% ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस व्हिच एवर इज, ठीक है। सेक्शन 50C का तो सर समझ गया, सेक्शन 43CA में क्या हुआ है, सेक्शन 43CA सेम टू सेम 50C था, पर सेक्शन 43CA में क्या था, अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्या था, हेल्ड एज ए कैपिटल असेट, सेक्शन 50C में क्या था, कैपिटल असेट, यहाँ पे क्या था, सेक्शन 43CA में इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, जो हम लोग ने याद किया है वो बिल्डर वाला एग्जाम्पल लिया था वो वाला, सेक्शन 43CA में वहां पे भी जो टॉलरेंस बैंड 5% का था वो 10% हो गया है। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 56210 56210 में यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सेलर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे सेक्शन 56210 में बायर के बारे में या जिसको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट वाला सेक्शन याद है, जिसको मिल रहा है उसके बारे में बात होती है, वहां पे भी हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा था जो 5% कैसे आता है उसका भी 10% हो गया। Is it okay? तो ये सेक्शन, ये तीन सेक्शन में रिस्पेक्टिव सेम अमेंडमेंट है, जो उनकी लिमिट 5% थी, 105% बेसिकली हम लोग चेक करते थे, वो अभी 105% की जगह हम लोग को 110% चेक करना रहेगा, बाकी कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो एक बार के लिए अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो, उससे बेटर है कि भाई मेरे को या तो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे जाके डाउनलोड कर लेना या फिर मेरे को मैसेज कर देना, मैं ईमेल कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे करना बस याद। फिर सेक्शन 44AB जो कि आपका ऑडिट का सेक्शन होता है, याद सेक्शन में अमेंडमेंट है वो है सेक्शन 44AB, 44AB जो आपको याद रहेगा काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 44AB अपना ऑडिट का सेक्शन होता है, अगर कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो उसको ऑडिट करानी जरूरी थी, प्रोफेशनल है तो 50 लाख से ज्यादा, प्रिजम्प्टिव बेसिस में आता है 8% 6%, तो उससे कम अगर परसेंटेज ऑफ इनकम दिखाता है तो उसको बेसिकली ऑडिट करानी कंपलसरी होती है, ऐसे सब सेक्शन हम लोग ने 44AB पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या अमेंडमेंट आया है उसकी बात करते हैं, सेक्शन 44AB ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन कैरिंग ऑन PGBP, जो PGBP में इन्वॉल्व है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उनको ऑडिट कराने का सेक्शन है ये, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस हु इज रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹1 करोड़ टू ₹5 करोड़, जो 1 करोड़ से ऊपर अगर इनकम हो जाती थी तो आपको क्या, पहले इनकम टर्नओवर की बात करो, इनकम की बात नहीं करो, टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता था तो आपको क्या ऑडिट कराने की जरूरत थी, अभी वो 1 करोड़ की लिमिट को 5 करोड़ कर दिया गया है कि अगर आपके 5 करोड़ इनकम है तो 5 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको क्या बेसिकली ऑडिट करानी पड़ेगी। बट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये कुछ नीचे वाली कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो 5 करोड़ का लिमिट एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आपका 1 करोड़ का ही लिमिट ऑन टर्नओवर एप्लीकेबल होगा, ठीक। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, कैश रिसीप्ट शैल बी
shall not exceed 5% of total receipt. जो total receipt आपको आ रही है including turnover, जो आपको total पैसा मिल रहा है उसमें 5% से ज्यादा cash में नहीं होना चाहिए, मतलब through online mode या bank के mode, account pay check, जो भी mode हो cash को छोड़ के बाकी सब mode से 95% या उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब cash receipt कितना 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए total receipt के, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो जाता है तो आपको benefit नहीं मिलेगा। दूसरा, cash payment including expense shall not exceed 5% of total payment, जो आप total payments कर रहे हो including expense वगैरह जो भी business के है total payment कर रहे हो उसमें कैश पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आपका ऑडिट का लिमिट 1 करोड़ से सीधा 5 करोड़ हो जाएगा, और भाई अगर 5 करोड़ हो जाए तो कितने लोग तो भाई ऑडिट से ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला गया इसमें, जो 44AB का टर्नओवर का लिमिट है, अगर ऑडिट करानी है तो कितना टर्नओवर होना चाहिए, 1 करोड़ होना, 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो आपको ऑडिट करानी जरूरी होती है, तो वो 1 करोड़ से लिमिट यहाँ पे 5 करोड़ कर दी गई है अगर आप दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो। तो कौन सी दो कंडीशन? पहला कंडीशन, जो कैश रिसिप्ट है वो आपकी टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग टर्नओवर उससे 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टोटल पेमेंट जो कर रहे हो उसका 5% है उससे ज्यादा कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? तो 44AB में ये बेसिकली अमेंडमेंट है। फिर सेक्शन 55 में एक अमेंडमेंट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हम लोग को पता रहेगा सॉरी एक चीज हम लोग ने सीखी थी याद है, अगर आप बेसिकली 1/4/2001 से पहले कोई एसेट खरीदते हो, क्या मैं बोला 1/4/2001 से पहले कोई एसेट खरीदा है, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो निकालना रहता था, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम लोग निकालते थे याद है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग को एक चीज देखता रहता था कि कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर जो होता था वो आपका कॉस्ट मान लिया जाता था। करेक्ट है, करेक्ट है सर। इन के तो अभी चेंज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ कैपिटल असेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, या तो लैंड है या बिल्डिंग है या दोनों है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू शैल नॉट एक्सीड, जो FMV है आपकी वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए किससे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, वेयर एवर एप्लीकेबल ऑन 1/4/2001। जो 1/4/2001 में एप्लीकेबल था पता है 1/4/2001 का FMV या कॉस्ट विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है 1/4/2001 का वो आपके स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अभी क्या देखना पड़ेगा अपने को, कॉस्ट तो देखना ही पड़ेगा साथ में फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो क्या फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो कम होगा वो आपको लेना है, और कॉस्ट से कंपेयर करके विच एवर इज हायर करके आपको लेना है। जैसे हम लोग 112A के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कैसे करने का, वैसा ही सिंपल सी चीज है, कॉस्ट तो लेना ही है, फेयर मार्केट वैल्यू आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, HDB और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होगा वो लो, और कॉस्ट से कंपेयर करके विच एवर इज हायर जो रहेगा वो आपका क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इन केस ऑफ कैपिटल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आता है, तो वो केस क्लियर है, कैपिटल असेट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू शैल नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वेयर एवर एप्लीकेबल ऑन 1/4/2001। इज इट ओके? यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 57, जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको डिडक्शन मिलते हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट है। जैसे पहले आपको पता रहेगा पहले कैसा था, डिविडेंड के बेसिकली बात करो, डिविडेंड का टैक्सेशन कैसे होता था, अगर कोई कंपनी है, मैं कोई कंपनी हूँ, मैं डोमेस्टिक कंपनी हूँ, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जो या तो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज डोमेस्टिक कंपनी, और दूसरा फॉरेन कंपनी जिसने अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का वो अरेंजमेंट इंडिया में कर दिया है तो वो भी क्या डोमेस्टिक कंपनी हो जाती है। अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी जो है वो अपना डिविडेंड पे करेगी तो क्या टैक्सेबिलिटी होती थी पहले याद करो, पहले कुछ ऐसा होता था कि देखो जब डिविडेंड पे करते थे तब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी कंपनी, करेक्ट है, और सामने जो सामने जिसको डिविडेंड मिल रहा था शेयर होल्डर को उसके हाथ में 1034 में एग्जम्प्ट हो जाता था। करेक्ट है, 1034 में उसके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाता था, कंपनी 115O में DDT पे करती थी, और अगर डिविडेंड का अमाउंट किसी एक शेयर होल्डर के हाथ में 10 लाख रुपए से ज्यादा होगा, अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा होता था पहले की बात करो तो उसके ऊपर 115BBDA सेक्शन लग जाता था, 10 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट उसको एज अ डिविडेंड मिलता था उसके ऊपर क्या भरना पड़ता था, टैक्स भरना पड़ता था एट द रेट 10%।
याद है, पता ये 2-3 सेक्शन अभी पूरे के पूरे इनऑपरेटिव हो गए, कैंसिल हो गए, अभी ये साल से उनका कोई काम नहीं है, पर ये सेक्शन पढ़ाने के लिए उनका रेफरेंस देना जरूरी है। कंपनी क्या करती थी, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी, जिसको मिलता था उसके हाथ में डिविडेंड पूरा एग्जम्प्ट हो जाता था 1034 में, और अगर 10 लाख से ज्यादा अगर डिविडेंड मिलता था तो 10 लाख के ऊपर जितना अमाउंट मिलता था वो 10% टैक्सेबल होता था अंडर सेक्शन 115 BBDA। तो अभी पढ़ते हैं यहाँ पे क्या चेंज है डिडक्शन में। एज ऑल द डिविडेंड्स आर मेड टैक्सेबल इन हैंड ऑफ रिसिपिएंट। अभी क्या होता है, जो शेयर होल्डर को जितना भी डिविडेंड मिलेगा वो उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे सीधा सीधा स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। द डिडक्शन फ्रॉम सच इनकम आर ब्रॉट इन बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग प्रोविजो। ये जो नीचे प्रोविजो दिया है उसके हिसाब से अभी द डिडक्शन फ्रॉम सच इनकम आर ब्रॉट इन बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग प्रोविजो। मतलब क्या, ये जो इनकम आपको मिल रही है उसका कुछ डिडक्शन मिलेगा, कैसे मिलेगा क्या मिलेगा समझते। No expenses are allowed as a deduction. मतलब जो आपने डिविडेंड का इनकम अर्न किया उसके सामने कुछ खर्चा किया, डिविडेंड अर्न करने के लिए, डिविडेंड लेने के लिए, कुछ ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी खर्चा किया है, तो वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। No expenses are allowed as a deduction. कोई भी तरीके का खर्चा आपको एज अ डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। एक्सेप्ट कौन सा, द इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर्ड टू अर्न द इनकम। आपने इंटरेस्ट का कोई खर्चा किया वो डिविडेंड अर्न करने के लिए, वो डिविडेंड अर्न करने के लिए आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस अर्न किया, एक्सपेंड किया, मतलब विच अर्लियर एक्सेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034। मतलब क्या, अगर आपको ये शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता था फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी तो एक्सेम्प्ट हो जाता था। 1035 के आकर कोई यूनिट होल्डर को म्यूचुअल फंड से बेसिकली इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट वगैरह वो था, पता है, म्यूचुअल फंड से अगर कोई इनकम मिलता है डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके हाथ पर 1035 में एक्सेम्प्ट होता था। और 1023D में बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट करके CA फाइनल में कंसेप्ट है, इंटर वालों एग्जीक्यूटिव वालों तुम्हारे काम का नहीं है, उनके हाथ में बेसिकली जो इनकम डिविडेंड के हिसाब से वो था वो वाला एग्जम्प्ट होता था, ठीक है। तो नो एक्सपेंस आर अलाउड एज अ डिडक्शन, कोई भी तरीके का खर्चा डिविडेंड के सामने अलाउड नहीं होगा, एक्सेप्ट जो 1034 में पहले इनकम एग्जम्प्ट हो रही थी, 1035 में पहले इनकम एग्जम्प्ट हो रही थी, 1023D में पहले इनकम एग्जम्प्ट हो रही थी, वही वाले इनकम आपको मिल रही है। समझो फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस जो लगा है वो खर्च वो इनकम अर्न करने के लिए वो आपको डिडक्शन बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है। एंड सच डिडक्शन जो डिडक्शन होगा शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। जितना डिविडेंड का टोटल इनकम है उसका 20% से ज्यादा आपको खर्चा नहीं मिल अलाउड हो सकता। मतलब मैक्सिमम कितना, 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिल रहा है तो इंटरेस्ट का मैक्सिमम खर्चा कितना आपको अलाउड होगा, सिर्फ 20,000 रुपए। और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच यूनिट, या तो डिविडेंड इनकम या यूनिट इनकम या वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट वाला इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फॉर दैट ईयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद गलती से कहीं क्लिक कर दिया, अभी कुछ ओपन होगा, ठीक है। सेक्शन 57 में हम लोग ने डिडक्शन देखा, डिडक्शन क्या होता है, पहले कैसा होता था, अभी डिविडेंड क्या हो गया, जो यूनिट होल्डर है उसके हाथ में पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया है, ठीक है। तो डिडक्शन उसका कैसे मिलेगा क्या मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है 57 में। कोई भी तरीके का खर्चा अलाउड नहीं होगा, पर पहले जो इनकम 1034, 1035, 1023D में एग्जेम्प्ट हो रही थी वही नेचर की इनकम आपको अभी भी मिल रही है, वही नेचर की इनकम आपको अभी भी मिल रही है, करेक्ट है। तो उसके ऊपर जो वो इनकम अर्न करने के लिए जो आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस लग रहा था उसका आपको अलाउंस मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। एंड सच डिडक्शन शाल नॉट एक्सीड, वो जो खर्चा है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 20% ऑफ टोटल डिडक्शन, ठीक है, टोटल डिविडेंड इनकम या यूनिट होल्डर पे जो डिविडेंड मिलता है वो। ये हो गया। फिर एक और यहाँ पे अमेंडमेंट है, 80EEA करके एक सेक्शन होता है। 80EEA क्या होता है सर, 80EEA बेसिकली वो अगर आप लोन लेते हो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो याद है मैंने 3 कॉलम करके बताया था, आपको बता देता हूँ। डिडक्शन कहाँ दिख रहा है आपको सर, डिडक्शन एक सेकंड रुकिएगा, ये पड़ा डिडक्शन अंडर सेक्शन 86 लिखे टीयू। यहाँ पे 80EEA, 80EEA करके ये सेक्शन है। इंडिविजुअल अदर देन 80EEA, ये जो आप किसके लिए घर ले रहे हो, किसके लिए लोन ले रहे हो, एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 50,000, ये जो है वो सिंपल सी बात है। कहाँ पे अमेंडमेंट हुआ, यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ पोर्शन वो ध्यान रखो, यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है
ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे। जो पहले ये सेक्शन था ना, ये कब तक एप्लीकेबल था पता है? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। अगर आप कोई घर लेते हो तो आपको, या लोन लेते हो बेसिकली, तो आपको डिडक्शन मिलता था। अभी टाइम लिमिट जो है वो बेसिकली चेंज कर दिया है। बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू द लोन सेंक्शन बिफोर 1/4/21 फ्रॉम 31 मार्च 20, मतलब 31 मार्च 20 से अभी चेंज करके कब तक कर दिया, 1/4/2021 तक कर दिया। तब तक आप अगर लोन लेते हो या घर लेते हो जो भी हो, तो डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 80EE में ये डिडक्शन में बेसिकली 80EEA में आपको ये अमेंडमेंट आया है डिडक्शन वाले में, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, ये साल में भी ये डिडक्शन आपको मिलेगा। नहीं तो पिछले हिसाब से क्या था कि ये टाइम पे आपको नहीं मिलेगा, पर ये साल भी आपको कंसिडर करना है वो डिडक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट डिडक्शन 80EEA। EEA क्या बोलता है? अगर आप सर्टेन डोनेशन करते हो, साइंटिफिक, जी वाला नहीं है यहाँ पे, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो मैंने एक कहानी बताई थी याद है कि किस किस के लिए आप डोनेशन करते हो, आर तो एनवायरमेंट वगैरह के लिए, एक से सोशल स्ट्रक्चर ये सब था। 80EEA खुला ही है तो बता देता हूँ, जी जी ये पड़ा 80EEA। ये वाला जो था यहाँ पे पहले क्या होता था, 10,000 रुपए से ज्यादा कैश में अलाउड नहीं होता था। अभी ये लोग ने क्या कर दिया, इट रिड्यूस्ड टू ₹2,000, मतलब 2,000 रुपए से ज्यादा अगर आप कोई कैश में डोनेशन दोगे तो आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता मिलेगा। पहले कैसा था, 10,000 रुपए से ज्यादा किया तो नहीं मिलता था, अभी क्या कितना है, 2,000 रुपए। और 80G वो आपका नॉर्मल डोनेशन है पता है, अपना 50% 100% जो करते हैं उसमें भी 2,000 है। तो अभी तो वैसे भी वो दोनों एक स्पेस पे आ गए हैं, एक ही टर्म पे आ गए हैं, तो इजिली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पे 10,000 था, अभी कितना, 2,000 रुपए से ज्यादा आप कैश में डोनेशन नहीं कर सकते, तो अगर किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। कौन सा 80EEA का डिडक्शन है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मुझे पता है, पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम से पहले भी आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको तब तक सब कंसेप्ट आ जाएंगे। वैसे भी अभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, फिर जब आप क्लास व्लास में से करोगे तो आपके क्वेश्चन वगैरह भी आप सॉल्व कर दोगे, और उसके बाद मल्टीपल रिविजन होगा तो आपको ये सब चीजें बैठ जाएगी। फिर एग्जाम से पहले जस्ट आपको लगा कि एक बार सिर्फ जितने अमेंडमेंट है वो गो थ्रू करने हैं, तो आप ये वीडियो को 1.75 की स्पीड में चलाना और आपके हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ATM। इंपॉर्टेंट है, नया नया आया है, फर्स्ट टाइम आया है। किसके लिए, ये बेसिकली ये भी डिविडेंड के रिलेटेड ही है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, मतलब एक कंपनी, समझो ना, एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी को डिविडेंड देगी तो क्या होगा, समझो। पहले क्या होता था, पहले एक कंपनी दूसरे कंपनी को डिविडेंड देती थी, जो कंपनी डिविडेंड देती थी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी, DDT पे करती थी, और रिसिपिएंट अगर डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता था तो उसके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता था, ऐसा सब्सिडीज था। अभी तो वो वाला केस ही नहीं कि सामने वाला तो डिविडेंड पे ही नहीं कर रहा, तो अभी क्या होगा, तो एज अ डिविडेंड इनकम इज मेड टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। अभी क्या हो गया, जो रिसिपिएंट है उसके हाथ में डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो गया। दिस सेक्शन aims to provide deduction to the companies receiving dividend from another company. कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी से डिविडेंड कमा रही है तो उस केस में क्या होगा, where GTI of any domestic company includes by way of dividend from any other domestic company, deduction shall be allowed in accordance with this सेक्शन। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी से बेसिकली डिविडेंड रिसीव कर रही है तो उसके डिडक्शन का कुछ प्रोविजन है, वो कैसे होगा, इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर डोमेस्टिक कंपनी, तो क्या हो जाएगा, आपको डिडक्शन बेसिकली मिल जाएगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, मतलब इंटर कॉर्पोरेट मतलब क्या, एक कंपनी दूसरे कंपनी को इंटर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो क्या होगा, एज अ डिविडेंड इनकम इज मेड टैक्सेबल इन हैंड ऑफ रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट के हाथ में बेसिकली अभी क्या हो गया है, डिविडेंड टैक्सेबल होता है। दिस सेक्शन एम्स टू प्रोवाइड डिडक्शन टू द कंपनीज रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम अनदर कंपनी, कोई दूसरे कंपनी से आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। Where GTI of any domestic company includes, कोई भी अभी समझो मेरी एक domestic company है, tax center and company, उसकी GTI gross total income में dividend की income है, कौन सा income है, dividend income from other domestic company, कोई दूसरी domestic company के dividend की income मेरे GTI में है, deduction shall be allowed in accordance with this section, deduction मिलेगा इस section में, कितना deduction मिलेगा, income by way of dividend from other domestic company, जितना उधर से income आया है dividend के हिसाब से उतना क्या मिल जाएगा, deduction। ठीक है, तो ATM को हम लोग ने कर दिया। तो अभी तक डिडक्शन के रिलेटेड हम लोग ने कितने अमेंडमेंट बेसिकली देखे हैं,
ये तो हम लोग ने ये तीन सेक्शन के रिलेटेड देखा था, फिर 44AB के रिलेटेड देखा था, 5% कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4 2001 का, सिर्फ FMV अभी नहीं देखना, FMV और SDV दोनों को कंपेयर करना है। फिर डिडक्शन के रिलेटेड एक यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि डिविडेंड के रिलेटेड ही था, अदर सोर्सेज का डिविडेंड, तो उसमें क्या था कि वो आपको अगर पहले 1034, 1035, 1023D पैसा ही कोई इनकम आ रहा है तो उसके रिलेटेड ही सिर्फ एक्सपेंस अलाउड होगा, वो भी कौन सा, इंटरेस्ट का एक्सपेंस अलाउड होगा, ठीक है, और वो भी मैक्सिमम कितना, 20%। फिर 80EE का टाइम लिमिट बढ़ा दिया, ये साल में भी वो अप्लीकेबल है। 80EE में क्या 10,000 का 2,000 कर दिया है, और 80M के बाद बारे में क्या है कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसके GTI में दूसरी डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड का इनकम है तो डिडक्शन मिलेगा, कितना डिडक्शन मिलेगा, जितना वो डिविडेंड रिसीव, बेसिकली इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर डोमेस्टिक कंपनी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी जो ATM आया उसकी वजह से सेक्शन 115BAA और 115BAB में कुछ चेंज हुए। 115BAA और 115BAB क्या होता है सर? 115BAA वो वाला 22% वाला, और 115BAB क्या होता है? 15% वाला। सर क्या आप 22% 15% बोलो, बता दो एक सेकेंड। ये पड़ा 115BAA क्या है, 22% प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस 4%, ये किसके लिए होता है, सब डोमेस्टिक कंपनी को बेनिफिट मिलता है, लास्ट टाइम का अमेंडमेंट है कंसेशनल टैक्स रेट वाला। और 115BAB क्या है, 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस 4%, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही ये बेनिफिट मिलता है। तो ये जो सेक्शन है इसके अंदर भी कुछ अमेंडमेंट आए हैं क्या, वो बिकॉज ऑफ ATM की वजह से यहाँ क्या आए हैं, अमेंडमेंट आए हैं। दिस सेक्शन इज अमेंडेड सो एज टू प्रोवाइड deduction under section ATM deduction in respect of certain intercorporate dividend to the domestic company opting to pay tax at the 22% without claiming any deduction as per this section। पहले क्या होता था, पहले basically साफ साफ ऐसा लिखा हुआ था ये sections के अंदर कि अगर आप ये 115BAA या 115BAB opt करते हो तो आप deduction revenue based कोई भी deduction नहीं ले सकते, पर ये साल में amendment किया कि आप कोई भी तरीके का deduction नहीं ले सकते, पर दो type के ले सकते हो, पहला ATJJAA ले सकते हो, दूसरा ATM ले सकते हो। तो वही यहाँ पे बात हुई कि ATM वाला जो डिडक्शन है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। दिस सेक्शन इज अमेंडेड सो एज टू प्रोवाइड डिडक्शन अंडर सेक्शन M। ये क्यों डालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कोई भी तरीके का डिडक्शन ले ही नहीं सकते, पर अभी यहाँ पे जैसे कि ऊपर ATM में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड मिलता है तो आपको डिडक्शन मिलेगा ATM में, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी था कि ये 115BAA और 115BAB में भी आपको इसका बेसिकली डिडक्शन मिलेगा। इट मीन्स Now the company opting to pay tax under this section can claim deduction under section ATM। तो जो company ये section opt करती है उनको ATM में basically deduction मिल जाएगा। दो ही तरीके का deduction chapter 6 से क्या ये दो company को allowed होते हैं, पहला ATJJAA जो आपका additional employee cost 30% of additional employee cost मिलता है पता है वो वाला, और दूसरा ATM जो अभी हम लोग ने सीखा। नेक्स्ट ये तीन सेक्शन है जो अभी नहीं रहे, बेचारे चले गए। सबसे पहला 115O जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए था, अभी DDT आपको नहीं भरना पड़ेगा, DDT के ऊपर बेसिकली DDT आपको नहीं भरना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का सेक्शन ही स्क्रैप हो गया, इनऑपरेटिव हो गया है। फिर सेक्शन 115BBDA, 115BBDA जैसे मैंने बोला कि कोई आपका शेयरहोल्डर है उसको 10 लाख रुपए से ज्यादा डिविडेंड मिलता है तो उसके हाथ में 10% के टैक्सेबल होता था, अभी कुछ नहीं होगा, ये सेक्शन भी इनऑपरेटिव हो गया है। और तीसरा सेक्शन 115R, अगर कोई यूनिट होल्डर यूनिट है, मतलब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का कोई यूनिट है जो अपने यूनिट होल्डर को क्या कर रहा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको 115R में टैक्स भरना पड़ता था, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स भरना पड़ता था, वो भी अभी इनऑपरेटिव हो गया है, अभी उसका कोई यहाँ काम नहीं, अभी यूनिट होल्डर के हाथ में सीधा इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 115BAD पे। BAD क्या बोलता है, ये BAD सेक्शन जो है ना ये सेम टू सेम किसके जैसा है पता है, ये इसके जैसा 115BAA के जैसा,
BAA के जैसा ही है, 115BAD नया सेक्शन आया है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 115BAA क्या बोलता है। अगर 115BAA अपने को पता चल गया क्या बोलता है, तो 115BAD कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है, सेम चीज है। 115BAA क्या बोलता था, ये भी पिछले साल ही अमेंडमेंट आया था। ये क्या बोलता है, एलिजिबल असेसी, यहाँ पे जनरली कंपनी का टैक्स रेट क्या होगा ये जानने के लिए सबसे पहले ये समझो कि जनरली कंपनी का टैक्स रेट क्या होगा। कंपनी का टैक्स रेट सिंपल है कि अगर परसों मतलब कि अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चालू है, प्रीवियस ईयर चालू है 2021, तो परसों मतलब क्या प्रीवियस ईयर 1819, कल क्या था प्रीवियस ईयर 1920, परसों क्या था प्रीवियस ईयर 1819। प्रीवियस ईयर 1819 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है, तो सिंपल सी बात है आपको टैक्स रेट कितना एप्लीकेबल होगा, 25%। अगर ये पहला कंडीशन, अगर आपका 400 करोड़ से ज्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स रेट कितना रहेगा, 30%। फॉरेन कंपनी हो तो 40% सरचार्ज वगैरह, फिर हम लोग दे देखा था 7, 12, 2, 5, 7, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप कुछ कंडीशन, जो नीचे कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो, ये नीचे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो, तो हम आपसे 30% टैक्स ना लेके 22% ही टैक्स लेंगे। क्या मैं बोला, अगर आप नीचे कुछ दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो, तो हम आपसे 30% टैक्स ना लेके कितना, 22% टैक्स लेंगे। ठीक है। तो एलिजिबल असेसी कौन से रहेंगे, सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी, कुछ डोमेस्टिक कंपनी जो है वो एलिजिबल असेसी रहेगी। टैक्स रेट क्या रहेगा, टैक्स रेट रहेगा 22%। सरचार्ज कंपलसरी सरचार्ज लगेगा, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है कि इनकम इतना बड़ा तो सरचार्ज, सरचार्ज 100%, टैक्स 22%, सरचार्ज 10%, और सेस कितना 4%, तो आपका कितना आ जाता है 25.168% इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाता है, जो कि ये रहा। ठीक है, कितना टैक्स रेट क्या रहेगा, 22% टैक्स प्लस सरचार्ज 10% प्लस सेस 4%, तो आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कितना रहेगा, एक सेकंड, 25.168%। इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, तो कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन को साइड में रखो, दूसरी कंडीशन से देखो, ऑप्शन एक्सरसाइज अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, जो आपका ऑप्शन है वो आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले ऑप्ट करना है, मतलब एक्सरसाइज करना है, कब से, रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले या रिटर्न फाइलिंग तक बोल सकते हैं, ऐसा रिटर्न फाइलिंग तक आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। वंस ऑप्शन एक्सरसाइज, अगर आपने एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, तो बाद में ऐसा नहीं बोल सकते भाई मुझे नहीं लेना, ऐसा नहीं होगा। एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो आपको वो ऑप्शन पे टिके रहना है, आपको ऑप्शन लेना है। और थर्ड, कंपनी शैल नॉट रिक्वायर टू पे मैट, अगर ये कंपनी ये ऑप्शन ले लेती है तो उनको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है मैट, वो मैट पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तीन पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या है, सम बेनिफिट विल नॉट बी एप्लीकेबल। सम बेनिफिट का मतलब क्या होता है, सम बेनिफिट का मतलब ये होता है कि आपको 32AD का इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। वैसे भी इन्वेस्टमेंट अलाउंस ये साल से इनऑपरेटिव हो गया, अभी ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बचाएगा टाइम खत्म हो गया। 35AD के स्पेसिफाइड बिजनेस हो, 14 बिजनेस, 35 के साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंस नहीं मिलेंगे, 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, 35CCD स्किल डेवलपमेंट, 10AA डिडक्शन अंडर चैप्टर SEZ, ये सब अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज लेक्चर है। चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, पर 80JJAA और ATM मिलेगा, पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें। और यहाँ पे एक और ये सेक्शन में अमेंडमेंट है, बेसिकली वो हम लोग ने 115BAC में देखा था, पता है, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन ये साल में आता है तो अनअब्सॉर्ब एडिशनल डेप्रिसिएशन ये साल आता है, तो ये साल तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्या होगा, वो आपके ब्लॉक 14 2021 के ओपनिंग WDV के ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, 1420 बेसिकली उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, सम बेनिफिट विल नॉट बी एप्लीकेबल, वही ऊपर वाले बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। कंपनी कैन नॉट सेट ऑफ एनी लॉस और कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर फॉर सम बेनिफिट, वो ऊपर वाले जो रीजन थे उसकी वजह से कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये सेम हम लोगों ने 115BAC में पढ़ा था। फॉर अदर स्पेशल टैक्स रेट इनकम ओनली डेट स्पेशल टैक्स रेट विल प्रिवेल, मतलब अगर 10% वो 112A में है तो वो 10% ही प्रिवेल करेगा, STCG में 15% है तो वही प्रिवेल करेगा, बेसिकली वो वाली चीज है। ठीक है, तो ये सब बताने, ये मैं समझाने का रीजन क्या था, क्योंकि यही सेम टू सेम सेक्शन 115BAA और 115BAD सेम टू सेम है, बस असेसी बदल गया है। इसमें किसके लिए था कि सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी के लिए था, 115BAD किसके लिए है, टैक्स ऑन रेजिडेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। देखो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पहले टैक्स कैसे होता था, अगर 10,000 तक इनकम है तो 10%, 10,000 से 20,000 है तो 20%, 20 से 30
10,000 तक एग्जेम्प्ट, ऐसा कुछ था, 10,000 तक 10%, उससे 10-20% और फिर 30%, ऐसा कुछ टैक्स रेट था। और जनरल डिडक्शन 50,000 का मिलता था, स्पेसिफिक डिडक्शन 1,00,000 का मिलता था, फिर कुछ स्पेशल उसमें मैंने कुछ आपको बताया था, वो मेल करके मैंने एक बनाया था, बताया शॉर्ट फॉर्म, उसमें मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा डिटेलिंग किया था। तो वो सब तो है ही। अभी यहाँ पे क्या बोला, अगर कोई रेजिडेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो वो 115BAD ऑप्शनल टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। भाई तुम ये सेक्शन आ जाओ, पुराना वाले सब चीजें भूल जाओ। इफ रेजिडेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्सरसाइज नॉट टू क्लेम डिडक्शन बेनिफिट ऑलरेडी प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, जो पहले आपको मिले हुए थे डिडक्शन वगैरह, वो अगर आपको नहीं लेने तो आप क्या करो, टैक्स पे कर दो 22% के हिसाब से, सेम रेट था 115BAA में, याद है 22% सेम है। ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज बिफोर रिटर्न फाइलिंग, वंस ऑप्शन एक्सरसाइज कैन नॉट बी विथड्रॉन, वो वहां पे भी सेम था कि रिटर्न फाइलिंग तक आपको क्या करना है, ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, अगर एक बार आपने ले लिया तो फिर आप ना नहीं बोल सकते। फॉलोइंग बेनिफिट विल नॉट बी एप्लीकेबल, ये सब बेनिफिट नहीं मिलेंगे, 32(1)(2)(a) क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, 32(AD) इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, 33(AB)(ABA) कौन सा है, वो एग्रीकल्चर और वो साइट रिस्टोरेशन फंड वाला, 35 रिसर्च, 35(AD) आपके स्पेसिफाइड बिजनेस, 35(CCC) एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, 10AA आपका क्या है, वो SEZ वाला, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80JAA और 80MBI पे यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस गिवन इन नेक्स्ट पेज का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने सब वो सेक्शन का नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे दे दिया, जब आप ये मैगजीन डाउनलोड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। वापस आ जाते हैं प्रीवियस पेज में। हाँ, लॉस ड्यू टू अबव सेक्शन शैल नॉट बी, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलाउड नहीं होंगे, जैसे हम लोग ने पढ़ा था, ये सेम 115BA और ये सब सेम है, यहाँ पे मैंने देखो लिख दिया सिमिलर टू सेक्शन 115BAA। फिर नेक्स्ट आते हैं 115BAD एक्सरसाइज एंड WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट शैल बी इंक्रीज बाय अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ ड्यू टू अबव रेस्ट्रिक्शन। अगर 115BAD अगर आप एक्सरसाइज करते हो, देन WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट शैल बी इंक्रीज बाय अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड विच इज नॉट अवेलेबल, मतलब क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है वो क्या करना है आपको, ऐड कर देना है, वो आपको अलाउड नहीं होगा। फिर बेसिकली इतना ही सेक्शन है इसमें, आपको ये एक बार आप 115BAA याद कर लोगे तो आपको 115BAD में कोई तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पे मैंने फिर कुछ चीज लिखी है, इफ एन असेसी ऑप्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 115BAC और BAD, 115BAC क्या है, सबसे पहले हम लोग ने सेक्शन पढ़ा था वो, 115BAD क्या है अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी वाला, देन AMT इज नॉट एप्लीकेबल, तो आपको AMT एप्लीकेबल नहीं होगा टू सच असेसी, इफ एनी क्रेडिट एग्जिस्ट इट विल लैप्स, अगर कोई क्रेडिट एग्जिस्ट है, मतलब AMT का क्रेडिट होता है, अगर आपको पता है कि ये साल में देखो बेसिकली क्या होता है कि AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स या नॉर्मल टैक्स, दोनों में से जो ज्यादा आता है वो आपको पे करना पड़ता है। जनरली AMT ज्यादा आएगा तभी हम लोग पे करेंगे, समझो AMT आया 1,00,000 रुपया और नॉर्मल टैक्स रेट कितना है 80,000, तो आप पे क्या करोगे 1,00,000 रुपया, तो वो 20,000 रुपीज जो आपने एक्सेस पे किया वो 20,000 रुपीज आपको AMT क्रेडिट पड़ा रहता है, और जब अगले साल कभी आपका नॉर्मल टैक्स AMT से ज्यादा आएगा तो 20,000 का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या बोला है कि जब AMT ही एप्लीकेबल नहीं है तो जो AMT का क्रेडिट रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, आपको क्रेडिट भी बिल्कुल नहीं मिलेगा, जब AMT ही नहीं रहा तो AMT का क्रेडिट कैसे, इट्स नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड फर्दर, ठीक है। If assessee has opted section 115BAA के जो 22% वाला, 115BAC जो first हम लोग ने पढ़ा था आज, और 115BAD, BAD कौन सा, ये वाला cooperative options society वाला, if any unabsorbed additional depreciation of earlier year then it will not be allowed to but shall added back to, ये बार बार हम लोग ने पढ़ लिया कि अगर कोई additional depreciation ये साल आया तो वो allowed नहीं होगा, तो उसको क्या करना है, opening WDV के block में add कर देना है ताकि normal depreciation मिल सके। If assessee opted section 115BA, अगर assessee क्या करता है 115BA ऑप्ट करता है, BA क्या बेसिकली फालतू का सेक्शन है, मैंने आपको बोला था, एक सेकंड बता देता हूँ, ये भी कंसेशनल टैक्स रेट की बात करता है, ये पड़ा 115BA कि आपको 25% अगर कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 115BA लेगी तो उसको 25% टैक्स लगेगा और उसको ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो ये 115BA कौन सा, ये वाला पड़ा, जो 115BAC कौन सा है पहला पड़ा, 115BAD, तो उसमें मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना ले सकते हो, 40% ले सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग ने कौन कौन से बेसिकली अमेंडमेंट पढ़े, ये पार्ट वन ऑफ लेक्चर है, एक बार जितना किया वो फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 115BAC पढ़ा था,
नहीं तो रिवीजन क्या करना है, नेक्स्ट टाइम करेंगे तभी, इधर से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा वीडियो लगा है तो भाई सब्सक्राइब वगैरह कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए अमेंडमेंट है वो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ तक मैंने जानबूझ के थोड़ा सा क्विक गया हूँ ताकि आपको सब कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और ये बाद में भी आपके वीडियो काम आ जाए। चलो बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू।